नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश सिंह आप सभी का टारगेट विद आजलोक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा एक नया बैच प्रारंभ हो चुका है, शीघ्रता से उसमें जुड़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। बहुत अधिक भूमिका में समय ना लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर बातचीत करते हैं। उससे पहले बस एक थोड़ी सी गंभीर चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि रणनीतिक बातचीत करने के लिए हम एक अलग समय का स्लॉट लेंगे और उस पर डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि पहली मुलाकात है तो कुछ चीजों पर बातचीत कर ली जाए तो ज्यादा उपयोगी भी होता है, जरूरी भी है। आइए समझिए, देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि इस परीक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की समझ आपके पास ठीक ठीक हो। बात समझ में आ रही है? अभी तक का जो स्वरूप रहा है इस परीक्षा का, वो ये रहा है कि इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार भी होता था। आपका एक रिटन एग्जाम होता था, प्लस आपका एक इंटरव्यू या ये कह लीजिए कि पर्सनालिटी टेस्ट, साक्षात्कार जैसी चीजें भी आपके साथ संपादित होती थी। अभी वर्तमान समय में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले समय में साक्षात्कार हटा दिया जाएगा और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर, या हो सकता है कि एक प्री या मेंस, इस तरह के दो चरणों में ये परीक्षा संपन्न हो। कुल मिला के हमारे लिए जो इसमें समझने वाली बात है, जो हमें फोकस करने वाली बात है, वो बात ये है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अब हमें चाहे वो लिखित परीक्षा पर आधारित हो जाए, साक्षात्कार हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा के साथ जब साक्षात्कार होते थे तो लिखित परीक्षा में आपकी तथ्यों की समझ, संकल्पनाओं की समझ को भी देखा जाता था, और साक्षात्कार में या आपके इंटरव्यू में वो ये देखते थे कि इस विषय में आपकी समझ कितनी गहराई तक है। अगर ये परीक्षा दो चरणों की हो जाए, मान लीजिए लिखित परीक्षा में ही दो चरणों की हो जाए, और पहले में पहला चरण जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है और दूसरे चरण में आपको मेंस की तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना हो, दोनों ही जगह पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इस विषय के तथ्यों पर फोकस करें, प्लस चीजों को बहुत गहराई में जाकर समझें, अपनी संकल्पना को इस आधार पर विकसित करें कि आपका लिखित परीक्षा में भी आसानी से चयन हो जाए और अच्छे नंबरों के साथ चयन हो जाए, जिससे कि आपको अपनी मनचाही जगह पर भी पोस्टिंग मिल सके। बात सही समझ में आ रही है? कुल मिला के हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि इस परीक्षा में अब सारा दारोमदार इस चीज पर है कि हम, पहले क्या होता था कि बहुत सरल तरह के प्रश्न आ गए, हमारी भूगोल विषय में मान लीजिए समझ नहीं है और हमने कुछ चीजों को रट लिया है, फिर भी हम इतने अंक अर्जित कर लेते थे कि हमें इंटरव्यू देने को मिल जाता था, और फिर इंटरव्यू अगर मान लीजिए हमें 35-40 नंबर तक अगर वहां पर मिल गए तो हमारी सिलेक्शन हो जाती थी। अब क्या आपको ध्यान में रखना है? अब ये ध्यान में रखना है कि अगर नया परिवर्तन होता है, पुराने ढर्रे पर चलते हैं तो भी, और नया परिवर्तन होता है तो भी, ये महत्वपूर्ण है कि आप विषय को बहुत ही गहराई में जाकर अपनी संकल्पनाओं को ठीक से समझें, सीखें, तभी जाकर ये आपको सफलता सुनिश्चित होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, बहुत ढेर सारे विषयों में ये चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है कि उस विषय की प्रकृति ही ऐसी है कि जब तक आप उसमें बहुत ढेर सारा याद नहीं करेंगे, बहुत ढेर सारे तथ्यों का संकलन इकट्ठा नहीं कर लेंगे, बार बार उनको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम स्कोर इतना ले आएंगे, क्योंकि इस परीक्षा की प्रकृति कुछ ऐसी है कि 100 से अधिक प्रश्नों को जो लोग हल करके आते हैं वही एक श्योर हो सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको भूगोल विषय के साथ ये आसानी होने वाली है कि अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, मान लीजिए यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है तो प्रेशर में किस तरीके से चेंज आएगा, प्रेशर में अगर चेंज आ गया तो हवा उठेगी या हवा बैठेगी, हवा उठेगी तो किस तरह की प्रक्रिया होगी, हमारी ह्यूमिडिटी के प्रोसेस में किस तरीके से चेंज आएगा, मतलब हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर एक बार ठीक से आपके दिमाग में ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, आगे के सभी चरणों को आप बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं, और जब आपके दिमाग में इतनी समझ होगी तो फिर आपको इस विषय को कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, या कुछ चीजें जो रटने वाली हैं
उनमें भी इस तरह की समझ आपकी सहायक ही सिद्ध होगी, ऐसा मैं पूरे अपने अनुभव के आधार पर आपको ये चीज कह सकता हूँ। तो जैसा कि हमने क्लास के भूमिका में भी आपसे ये कहा कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहली चीज समय से पहले आपका पाठ्यक्रम पूरा हो, दूसरी चीज हमारी तैयारी सिर्फ ये ना हो कि हम कुछ तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित कर दें और उन चीजों को समझाने की कोशिश ही ना करें, तो फिर आपके सामने वही चुनौतियां बनी रही जहां से आपने शुरू की थी अपनी जर्नी, आप वहीं पर आ गए। तो ये आशा ही नहीं, आप पूर्ण विश्वास रखिए हम पर, आपको निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने या हमारी संस्था ने एक पूरे पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रखी है, हम लोगों की आपकी तैयारी ही इस तरीके से है क्योंकि हमें शिक्षक बनाना है। हमें इस परीक्षा की तैयारी हम ऐसी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं जहां पे आप सभी शिक्षक बनेंगे और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि अगले 30 वर्षों तक विषय की दशा दिशा के असली उत्तराधिकारी आप ही लोग होने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रणनीतिक पहलुओं पर हम और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे, बस यहां पर हमारा आपको दिशा निर्देश ये है कि विषय की गंभीरता को समझिए, विषय बहुत ही रुचिपूर्ण है। अगर आपने एक बार अपने मन से ये फियर निकाल दिया और चीजों को नक्शों के माध्यम से ग्लोब पे डिमॉन्स्ट्रेट करके चीजों को उदाहरण और उन सारी चीजों को अगर सरल ढंग से हम आपको सिखा पाए और आप सीख पाए और उसका अभ्यास आपने किया, तो निश्चित तौर पर इस विषय से आपका डर एकदम समाप्त हो जाएगा और ये विषय आपके जीवन में एक उपयोगी विषय बनकर आएगा, जो केवल नौकरी ही आपको नहीं दिलाएगा, बतौर शिक्षक जो सम्मान आपको आपके जीवन में मिलेगा उसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से अपनी बातचीत को शुरू करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत आपसे आप कर लें। देखिए, कभी भी जैसे कभी कभी हम लोगों से कोई पूछ लेता है कि भैया ज्योग्राफी की परिभाषा बता दो। अब आप कहेंगे सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, ये चीज कैसे कनेक्टेड है, आइए देखते हैं। कभी भी जब भी ज्योग्राफी की बातचीत की जाती है, कभी कभी हमारे घर के लोग भी हमसे ये पूछ लेते हैं कि अच्छा ज्योग्राफी का मतलब क्या है, कभी कभी तो बड़ा हास्यास्पद होता है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे उन्होंने कह दिया कि ज्योग्राफी की परिभाषा बताइए। सरल सरल चीजों को अगर हम लेकर चलें तो सिंपल सिंपल जियो प्लस ग्राफी से अर्थ निकाला जाता है और पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग ज्योग्राफी मान लेते हैं, पृथ्वी के डिस्क्रिप्शन के या पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग एक ज्योग्राफी की परिभाषा यहाँ पे कह देते हैं। अगर इस चीज को थोड़ा सा हम एक लेवल और आगे लेकर जाएं, ठीक है, एक लेवल अगर हम और आगे लेकर जाएं तो यहां पर एक टर्म ये जुड़ जाता है इसमें कि स्थानिक तथा कालिक स्तर पर, स्थानिक तथा कालिक स्तर पर, स्पेशियल तथा टेम्पोरल स्केल पर, बात समझ में आ रही है, पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप के अध्ययन को ही हम, अब ये जो परिवर्तनशील शब्द जुड़ गया, ये चेंज जुड़ गया टाइम और स्पेस के आधार पे, ये चेंज आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, यहीं से वो बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके दिमाग में आना शुरू होते हैं, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी स्थान पर एक अलग प्रतिरूप मिल रहा है, वो स्थान बदलते ही या समय बदलते ही, ये जो आपको एग्जांपल मिल रहे थे, जो आपको चीजें दिखाई दे रही थी, उनमें ये परिवर्तन क्यों, कब और कैसे है, इन्हीं जिज्ञासाओं के हल को लेकर भूगोल में हम ले आते हैं और यहीं से भूगोल की शुरुआत होती है। लेकिन बाहरी सतह पर जो ये परिवर्तनशील स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है, उसको पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ठीक से पढ़ें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम ठीक से समझें कि आखिर आंतरिक संरचना पृथ्वी की किस तरीके की है, वहां पर किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और कि क्या कारण है कि बाहरी सतह पर जो हमें ये परिवर्तनशील स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, कितना टाइम लगेगा, प्रोसेस कौन सा काम कर रहा है, एक लंबी जर्नी में हम इस सेक्शन में इन्हीं सारी चीजों को एक चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। एक पहलू यहीं से इससे जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी का, जिसको हम लोग भौतिक भूगोल की संकल्पना के अंतर्गत पढ़ते हैं और वहीं पर जब हम आपको थॉट पढ़ाएंगे तब हम आपको ये बात समझाएंगे कि एक लगभग 2400-2500 सालों के इतिहास के क्रम में
कैसे परिवर्तन या पैराडाइम शिफ्टिंग, या उसको और सरल भाषा में कहा जाए तो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, दार्शनिक आधार पर कैसे चीजें बदली, और उनके बदलने के अनुक्रम में हमारी पहला फोकस किस पे था, दूसरा फोकस किस पे आया, तीसरा फोकस किस पे आया, और आज की डेट में लगभग ज्योग्राफी में मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात की जाती है, पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की बातचीत की जाती है, और इन सारी चीजों पर बातचीत करने का जो पहलू हम लोग पढ़ते हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। बात क्लियर है? तो अभी हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी हम यीन स्वरूप को समझने के लिए पृथ्वी की बाह्य स्वरूप पर क्या भी स्थानिक तथा कालिक स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी मिल रही है या उनके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनका रहस्य कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही समाहित है। तो आज की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हमारे जो प्रमुख पहलू हैं, हम आपसे यहाँ पर इन चीजों को सीखेंगे कि आंतरिक संरचना का स्वरूप कैसा है, कैसी है वो, ताप दाब घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, कि सतह से लेकर गहराई पर जाने में हमें किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, एस्थेनोस्फीयर, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, दुर्बलता मंडल, आखिर ये क्या चीजें हैं, कैसे, क्या कारण है कि पृथ्वी के कोर में घनत्व सबसे अधिक मिलता है, या ये कह लीजिए कि वो कठोर अवस्था में पाया जाता है जबकि बाहरी कोर हमारा तरल अवस्था में है। इसके आगे की चीजों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, और ये संकल्पना क्या है, स्थलमंडल किसे कहेंगे, और परीक्षा में जो आपकी पूछे जाने वाली प्रमुख डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धताएं हैं उनके विषय में बातचीत करेंगे। तो हम आज की क्लास में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह किस तरीके की है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्रोत थे जिनके आधार पर हमने इन चीजों के बारे में हम जान पाए, समझ पाए कि देखिए लगभग 6400 किलोमीटर की गहराई है पृथ्वी की सतह से केंद्र तक अगर हम जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं था कि हम इतनी गहराई तक चीजों को ड्रिल करके या इतनी गहराई तक हम चीजों पर गहराई तक जाके चीजों को जज कर सकते थे कि क्या है, कहाँ है, क्यों ताप घनत्व इत्यादि में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की चट्टानें मिल रही हैं। लेकिन आज भी इस पर रिसर्च कंटिन्यू है, बहुत अलग अलग माध्यमों से, बहुत अलग अलग तरीकों से हमने अब कोशिश की है, और उन्हीं के आधार पर हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि आंतरिक संरचना में कब, कहाँ, कैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। लेटर ऑन हम ये आपसे चर्चा करेंगे कि एस्थेनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर कौन सी मिल रही है, जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। हम आपको बहुत ज़्यादा तथ्यों में उलझाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे पहले कोशिश करेंगे बहुत सरल ढंग से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो हम उन तथ्यों को लेकर आपके को इनपुट कर देंगे जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत ना आए। बहुत सी किताबों में क्या होता है कि पता चलता है कि तथ्य इतने ज़्यादा दे दिए गए कि एक बच्चा, सामान्य बच्चा उसमें उलझकर रह जाता है। अब आइए अगर आगे की कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ें तो देखिए स्रोत के आधार पर बातचीत की जाए तो सबसे पहले स्थिति ये थी, सबसे प्रमुख स्रोतों के आधार पर भी बात की जाए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी देते हैं, तो पहला स्रोत आता है जिसमें ज्वालामुखी। ठीक, अब स्थिति जब ज्वालामुखियों के बारे में देखा गया, ज्वालामुखियों को ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ पर स्थिति ये हो रही थी कि पृथ्वी की धरातली सतह के नीचे से मैग्मा, जो तप्त मैग्मा लावा है, वो पृथ्वी के धरातल पर निकलकर बाहर की ओर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इन लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि ये जो तप्त मैग्मा है, ये लावा है, कहीं ना कहीं तो बनी रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, उस गहराई में जाने पर कहीं ना कहीं नीचे कोई मैग्मा चैम्बर है जहां से ये चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बहुत और विद्वानों ने ये बात बताई कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब इतना अधिक है कि उतने अधिक दाब पर तापमान इतना हो जाए कि वहां पे मैग्मा बने, ये चीज सुनिश्चित करना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कभी कभी धरातल की स्थितियों में या धरातली सतह पर किसी तरह की दरार पड़ जाए, उनमें कोई चटकन आ जाए और आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाए, दाब आपका कम हो जाए। जैसे ही दाब कम होगा आपका गलनांक का बिंदु नीचे आएगा, और चूंकि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण चट्टानें पिघलें और उनके पिघलने की वजह से ये जो मैग्मा और लावा है बाहर की ओर आए,
इस तरह के कुछ कयास लगाए गए, लेकिन बहुत सटीक जानकारी हमको इस पर नहीं मिल पाई। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो प्रमुख स्रोत है वो हमारे ज्वालामुखी हैं, जिन्होंने जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में एक हिंट करने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं हमें इस पे प्रेरित करते हैं, या शुरू में जो हमारे ज्योग्राफर थे उनको किया होगा कि किस तरह की गतिविधियां अंदर हो रही हैं। दूसरे नंबर पे बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, दुनिया भर के लोगों ने बहुत ढेर सारी जगहों पे कुछ गहराई तक खुदाई की, कुछ होल्स बनाए, कुछ गुफाओं के माध्यम से, कुछ टनल के माध्यम से उनसे जानकारी लेने की कोशिश की और उनसे कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनी गहराई पर जाने पर हमारे यहाँ टेम्परेचर में इतना चेंज आ रहा है। ठीक, कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से थे। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है वो भूकंप शास्त्र है, सिस्मोलॉजी है, और आज का जिस अभिनव मत को हम लोग पढ़ेंगे वो इसी पर आधारित है, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी हमको यही सिस्मोलॉजी ही देती है। सबसे भूकंप शास्त्र के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। बातचीत समझ में आ रही है? देखिए, इन सब चीजों को शुरू करने से पहले बस हम आपका ध्यान कुछ चीजों पर ले जाएं। सिंपल ये समझिए कि कहीं पर भी जैसे हमारी पृथ्वी है, बात समझ में आ रही है? तो इस पृथ्वी पर जैसे जो भूकंपी तरंगे हैं, जिस गहराई पर, मान लीजिए किसी भी गहराई पर जहां से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते हैं भूकंप मूल। बात समझ में आ रही है? फोकस, बात क्लियर हुई? और धरातली सतह पर सबसे पहले जहां पर ये अंकित की जाती है, मान लीजिए इस जगह पर अंकित की गई, तो इसको हम लोग कहते हैं इपिसेंटर या अधिकेंद्र। जब भूकंप पढ़ाएंगे तो इन चीजों की गहराई में और भी जाएंगे और आपको हम वहां पे ये चीज सिखाएंगे कि अभी कैसे, थोड़ी देर पहले हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं कि मान लीजिए नेपाल में 5 बजे भूकंप आ गया या दिल्ली में 5 बजे भूकंप आ गया, तो जस्ट उसके 4-5 मिनट बाद ही न्यूज आने लगती है कि इसका एपिसेंटर यहाँ पे था। तो आखिर ये निर्धारित कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे जब आपको हम अलग से भूकंप वहां पे पढ़ाएंगे। तो जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों की अनुभूति हमें होती है उसे हम लोग एपिसेंटर के नाम से या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। इन्हीं भूकंपी तरंगों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक सतह के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है और उसमें दो तरंगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहली इसमें है आपकी प्राथमिक तरंगे, जिसको हम प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनकी गति किस तरीके से होती है, इनका स्वभाव किस तरीके से होता है, ये ध्वनि लहरों के समान होती है। अब आइए, ये तो किताबी बात हो गई, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी जो आपको ये पहला फिगर दिखाई दे रहा है, इस ये पहले फिगर ये प्राइमरी वेव्स को शो कर रहे हैं। कैसे? इन जब भी आपकी प्राथमिक तरंगे होंगी, प्राथमिक तरंगों में क्या होता है, जो कणों का संचलन होगा वो तरंग की दिशा के दिशा में ही होता है। अब जैसे समझिए कि मान लीजिए हम लाइन में खड़े हैं, आप हमारे लाइन में खड़े हैं, हमारे पीछे हम लोग इस तरीके से एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? और पीछे से किसी ने हमें पुश किया तो तरंग की दिशा भी इधर ही है और हमारा, मतलब अगर हम अपने आप को कण मान लें तो हमारा मूवमेंट भी क्या हो रहा है, वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो प्राथमिक तरंगों की स्थिति कैसी होती है, ध्वनि लहरों के समान होती है और इनमें जो कणों का संचलन है वो तरंग की दिशा में ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है क्योंकि ठोस माध्यम में इनकी गति अधिक होती है। कहीं पर भी अगर ठोस माध्यम है तो इनकी गति अधिक होगी। एक तरह के माध्यम में, अगर मान लीजिए कि एक तरह के माध्यम में ये एक सीधी गति से चलेंगे, लेकिन अगर उस माध्यम में परिवर्तन आ रहा है या घनत्व में परिवर्तन आ रहा है तो इनकी डायरेक्शन में क्या होता है, एक वक्राकार अवलंबन हमें देखने को मिलता है। उन सारी चीजों पर अभी हम लोग आते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट तरंग है, ये जो इम्पोर्टेंट तरंग है दूसरी एस तरंगे या गौर तरंगों के नाम से हम लोग जानते हैं और उनकी गति कुछ इस तरह की होती है।
इसमें जो कणों का संचलन है, जैसे आप एक कोने पर रस्सी पकड़ के आप खड़े हो जाइए और एक पैर आपका साथी खड़ा हो जाए, और बचपन में आपने ये खेल खेला होगा कि दोनों लोग करें, तो तरंग की दिशा के समकोण पर जो है तरंग कणों का जब संचलन होता है, तो इस तरह के मूवमेंट को या इस तरह की तरंगों को हम लोग गौण तरंगों के नाम से जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब भी द्रव माध्यम होगा या तरल माध्यम होगा, इस द्रव या तरल माध्यम में ये क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं, द्रव या तरल माध्यम में विलुप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इसके आधार पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्राप्त होता है, तो भूकंप शास्त्र से ही प्राप्त होता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। आपके सामने यहाँ पर दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक फिगर आपको पी वेव शैडो जोन के बारे में है, दूसरा एस वेव शैडो जोन के बारे में है। अब देखिए, हमने आपको ये बात बताई कि भूकंपी लहरों की प्रकृति इस तरीके से होती है कि अगर माध्यम एक जैसा है, घनत्व की एक जैसा है, तो स्थिति क्या होगी कि इनकी दिशा हमेशा, इनमें किसी भी तरह का वक्राकार अवलंबन देखने को नहीं मिलेगा, इनकी दिशा हमेशा एक सीधी होगी। लेकिन जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के संदर्भ में इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया, तो हमने पाया कि अगर भूकंपी तरंगों में, खासकर पी वेव्स को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये एक सीधे मार्ग का अनुसरण न करते हुए इनमें एक वक्राकार अवलंबन है। बात समझ में आ रही है? और इस वक्राकार अवलंबन का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आंतरिक संरचना में या आंतरिक स्तरों में पाई जाने वाली चट्टाने हैं, उनके घनत्व में अंतर है, उनकी प्रकृति में अंतर है, और इस घनत्व और प्रकृति में अंतर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये एक वक्राकार मार्ग को सुनिश्चित करते हैं। जैसे ही कोर वाला एरिया आता है, चूंकि पी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में होती है, और तरल माध्यम में आते ही इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखिए कि ये जो बीच का कोर वाला एरिया है, जब पी वेव्स इस एरिया के अंदर आ रही हैं, तो इनकी स्पीड भी कम हो जाती है, और इनका जो वक्राकार अवलंबन है उसमें बहुत अधिक एक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की संरचना को, आंतरिक संरचना को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये बहुत परतों में हमें है, और जो आंतरिक परत है उसका स्वभाव बाह्य परत के स्वभाव से अलग देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जो आपकी पी वेव्स हैं, वो आपको कोर एरिया में दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनकी गति में अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटर सेल का स्वभाव अलग तरीके का है, और जो बीच की सेल है या बीच की कोशिका है या जो बीच की परत है, उसका स्वभाव अलग तरीके का है। तो इससे हमें बहुत अधिक हेल्प मिलती है कि इसका मतलब ये हो गया कि धरातली सतह से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारी जो भूकंपी तरंगे हैं, इनके स्वभाव में, इनके वक्राकार अवलंबन की वजह से जो परिवर्तन आ रहा है, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि गहराई में जाने पर घनत्व, दाब इत्यादि परिस्थितियों में अंतर परिलक्षित है। वहीं पर अगर एस वेव को हम लोग देखें, एस वेव तरंगों के बारे में हमने आपको ये बात समझाई कि इसमें जो तरंग की दिशा से के समकोण पर कणों का संचलन होता है, और ये तरल माध्यम में, अगर कहीं पर भी तरल माध्यम है, तो ये विलुप्त हो जाएंगी। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो एस वेव आपकी क्या हो रही है, इसमें भी आपको एक वक्राकार अवलंबन देखने को मिल रहा है, और कोर वाले एरिया में ये बिल्कुल गायब है। 105 डिग्री से लेकर और 105 डिग्री तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की एस वेव अंकित नहीं की गई है। इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, एस वेव का शैडो जोन, छाया क्षेत्र। और ठीक इस यही स्थिति अगर हम पी वेव के संदर्भ में आपको देखें, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में, अब कि ये पी वेव्स का शेडो जोन, जहां पर हमारी किसी भी तरह की पी वेव्स अंकित नहीं की जाती है। मान लीजिए कि अगर अधिकेंद्रीय था, तो अगर यहां पर ईपी सेंटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह से 105 अंश और 145 अंश के जो बीच वाला एरिया होगा, उस एरिया में इस पी वेव का प्रभाव नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट ईपी सेंटर यहाँ पर है, तो इस ईपी सेंटर से 105 डिग्री इस डायरेक्शन से लेकर 105 डिग्री का ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पर आपकी एस वेव
वाइब्स का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कभी सीधे सीधे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि पी वेव्स का शैडो जोन क्या होता है, तो वो पी वेव्स का छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री। और वहीं पर अगर एस वेव्स का या गौर तरंगों के छाया क्षेत्रों के विषय में बातचीत की जाए तो ध्यान में रखिएगा ये 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री। ये भी प्रश्न सीधे सीधे तथ्यों के तौर पर भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह की प्रकृति हमें देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह से आंतरिक सतह में जाने पर घनत्व, दाब इत्यादि में अंतर हो रहा है। इन सारे अध्ययन के बाद भूकंप शास्त्र में पी वेव्स, एस वेव, एक और इम्पॉर्टेंट तरंग होती है एल वेव, जिसका भूकंप पढ़ाते समय वहां पर जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, पी वेव और एस वेव, वो बहुत जरूरी है क्योंकि पी वेव आपकी क्या है, इसमें कणों का जो संचलन हो रहा है वो तरंग की दिशा में ही हो रहा है, जिस प्रकार आपकी ध्वनि तरंगें चलती हैं, और इनकी चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होगी। जैसे ही ये ठोस माध्यम से दूसरे माध्यम या एक प्रकार के घनत्व से दूसरे प्रकार के घनत्व वाले माध्यम में जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं जो सीधा मार्ग इनको अनुसरण करना था, अब ये सीधे मार्ग का अनुसरण न करते हुए एक वक्राकार अवलंबन को फॉलो करती हैं। और उसी के आधार पर हमने आपको यहाँ पर चीजें समझाई कि ये शैडो जोन क्या है। बात समझ में आ रही? इन सारी परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है, बात समझ में आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पृथ्वी है वो तीन इंपॉर्टेंट परतों में बटी हुई है। पृथ्वी तीन इंपॉर्टेंट परतों में है और इन परतों को हम इस तरीके से लिखें तो सबसे जो आंतरिक हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोर। बात क्लियर हो गई? जो मध्यवर्ती परत है, लगभग 16% वॉल्यूम आपके पूरे पृथ्वी का ये वाला हिस्सा कवर करता है, और जो मध्यवर्ती परत है जिसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक पूरे वॉल्यूम का 80% लगभग ये कवर करता है। बात समझ में आ रही है? मेंटल। और पृथ्वी की जो सबसे आउटर सेल है, जो सबसे बाह्य आवरण है, उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? हिंदी में इसको इस तरीके से, ठीक। तो किस तरह की परिस्थितियां आपको कोर में देखने को मिलेंगी, किस तरह की परिस्थितियां आपको मेंटल में देखने को मिलेंगी, क्रस्ट में आपको किस तरीके का स्वरूप देखने को मिलता है, इस चीज के डिस्कशन पर आने से पहले हम आपको यहां पर एक चीज समझा दें। देखिए, हमने जब आपको ये चीज बताई थी कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो वहां हमने आपको ये बताया कि जैसे इस आंतरिक संरचना के क्रम में ताप, दाब इत्यादि के परिवर्तन को हम सीखेंगे, चट्टान, किस तरह की चट्टाने मिलेंगी हम उनको सीखेंगे, और मिलेंगी तो क्यों मिलेंगी, गहराई में जाने पर हमारे तापमान में चूंकि बढ़ोतरी हो रही है तो तापमान इतना अधिक होने के बावजूद हमारा जो कोर है वो क्यों ठोस अवस्था में है, आउटर कोर, जबकि गलित अवस्था में है, और इसी क्रम में एस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, और डिसकंटिन्यूटी क्या है, इनको हम लोग सीखेंगे। और आज के इस सेशन से लगभग आपके परीक्षा में 2 से 3 सवाल जो हर साल पूछे जाते हैं वो सही होने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर एक चीजों को समझ लीजिए, ठीक। कई बार क्या होता है कि किताबों में बहुत जटिलता से लिख दिया जाता है और हमको लगता है यार पता नहीं कौन सी बात कही जा रही है, क्योंकि ठीक इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो चट्टानों पे है, वहां पर हम इनकी गहराई में और अधिक जाएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर शब्दावली से परिचित करा दे रहे हैं, टर्म से परिचित करा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कहीं पर कहें कि यहाँ पर मैफिक रॉक मिलती है, ठीक है, यहाँ पर जो चट्टाने या सैलों का स्वरूप होगा वो किस तरीके का होगा, मैफिक का होगा, तो इनसे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैफिक का मतलब सिंपल हो गया, मैफिक का जो एम ए है उसका मतलब हो गया मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही है? और आपका जो फिक है इसका मतलब हो गया फेरस या आयरन। कहीं पर अगर हमने ये बात कही कि यहाँ की जो चट्टानों का स्वरूप होगा वो मैफिक सिलिकेट्स के फॉर्मेट में होगा, तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि यहाँ जो चट्टाने होंगी उसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी, आयरन की मात्रा अधिक होगी, मैग्नीशियम आयरन के सिलिकेट्स की मात्रा अधिक होगी। बात क्लियर हो गई? ठीक। और कहीं पर भी जो मैफिक चट्टाने अगर हम कहीं पर आ रहे हैं, हालांकि हम आपको वहां भी बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह की चट्टानों का घनत्व, ठीक है, अधिक होगा फेल्सिक चट्टानों की अपेक्षा। बात समझ में आई? तो क्या सीखना है, क्या समझना है? सबसे पहले ये सीखना है, ये समझना है कि मैफिक चट्टानों का मतलब क्या है। मैफिक का सिंपल मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम और आयरन, फेरस या आयरन सिलिकेट्स की बात हो रही है। तो
कहीं पर भी अगर हमारे दिमाग में हमारे मुंह से ये बात निकलती है कि देखिए यहाँ पर जो आपको चट्टाने मिलेंगी उनका स्वरूप किस तरीके से होगा, मैफिक होगा। मैफिक का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि इन चट्टानों में मैग्नीशियम और आपके आयरन के जो मात्रा अधिक होगी, इनके सिलिकेट्स की मात्रा अधिक होगी और घनत्व तो आपका अपेक्षाकृत फेल्सिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक होगा। क्लियर हो गई बात? कहाँ मिलेंगी, कब मिलेंगी, अब हम कोर मेंटल पढ़ाते समय वहां पर आपको ये बात समझा देंगे। अब देखिए कहीं पर भी अगर हम इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए यहां पर जो आपको चट्टानों का स्वरूप मिलेगा वो फेल्सिक प्रकृति का होगा, ठीक है, तो फेल्सिक से घबरा नहीं जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं रॉक में आपको ये सीखना ही पड़ेगा। फेल्सिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जिस तरह की चट्टानें मिलेंगी वो फेल्सपार और सिलिकेट्स, फेल्सपार के सिलिकेट्स मिलते हैं। अब फेल्सपार अपने आप में खुद एक कठिन शब्द लग रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया, तो कहीं पर भी अगर फेल्सपार शब्द आ रहा है इसका मतलब ऐसी सेल समूहों की बातचीत हो रही है जिसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरह के तत्वों की अधिकता है, या इन्हीं तत्वों के जो सिलिकेट्स हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट्स हैं, सोडियम सिलिकेट्स हो सकते हैं, पोटेशियम सिलिकेट्स हो सकते हैं, आपके कैल्शियम सिलिकेट्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब उस तरह की चट्टानों में आपको किस तरह की विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, किस तरह के तत्वों की अधिकता देखने को मिल रही है, तो फेल्सपार और सिलिका, ठीक, और कंपेरेटिवली इनका घनत्व, तुलनात्मक तौर पर इनका जो घनत्व है वो आपकी मैफिक चट्टानों की अपेक्षा या मैफिक रॉक की अपेक्षा कम होगा। बात क्लियर हो गई? फिर से ये भी डिस्कशन में आएगा, मैफिक मींस मैग्नीशियम प्लस आयरन, फेल्सिक मींस फेल्सपार प्लस सिलिका। फेल्सपार की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, आपके एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर यहाँ पे आपने ये बात सीख ली है तो आगे आपको किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं तब अपनी जर्नी को। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि सबसे अगर अंदर की ओर चलें, सबसे हम आंतरिक स्थिति से अपनी बातचीत को शुरू करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो हिस्सा है आपका कोर वाला हिस्सा। अभी हम यहाँ पर बिल्कुल भी इस फैक्ट में आपको नहीं ले जा रहे हैं कि देखिए 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर या 6317 किलोमीटर की गहराई में ये मिलेगा, इन चीज़ों की ऐसी स्थिति होगी। उन पर जाने की बजाय हमारा प्रयास ये है कि पहले आप सीख लो, सीख लेने के बाद आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये फिगर ठीक से दिखाई दे रहा हो तो जो बीच वाला आपको येलो और ऑरेंज वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो हमारा कोर वाला एरिया हो गया, जो आपको ब्राउन वाली लेयर दिखाई दे रही है वो आपका मेंटल वाला एरिया है, और जब सबसे ऊपर वाली थोड़ी सी डार्क ब्राउन, ब्लू और ग्रीनिश जो आपको पैच दिखाई दे रहा है वो हमारा क्रस्ट वाला एरिया होगा। अगर हम सिंपली कोर वाले एरिया की बातचीत करें तो लगभग 3500 किलोमीटर की मोटाई वाला ये हिस्सा होता है, ठीक है। बहुत सी चीजों, तथ्यों में अगर आप जाएंगे, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो 2900 किलोमीटर से की गहराई से लेकर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 6317 किलोमीटर, या राउंड फिगर में आप लिख लीजिए 6400 किलोमीटर की गहराई में आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? 3500 किलोमीटर की लगभग मोटाई इस कोर एरिया में आपको मिलेगी और लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान आपको देखने को मिलता है, सॉरी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होगा और पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक घनत्व आपके इसी आंतरिक भाग में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये स्थितियाँ किस तरीके से बन रही हैं, कैसी क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। जब भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जैसे ही मेंटल से नीचे आपके आउटर कोर वाले एरिया में भूकंपी तरंगों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन परिलक्षित होता है, तो ये चीज़ सुनिश्चित हुई कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो कोर है, ये कोर भी हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और एक आपका आउटर कोर है और एक आपका इनर कोर है। बात समझ में आ रही है? जो आपका आउटर कोर है, ठीक, जो आपका आउटर कोर है वहां पे आपकी एस तरंगे की उपस्थिति नहीं पाई गई, उपलब्ध नहीं थी, आपने देखा भी कि एस तरंगे नहीं थी। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि कहीं ना कहीं जो ये है वो लिक्विड फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए लोगों ने तर्क देना शुरू किया क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है इसलिए ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वहीं पर जब इनर कोर की बातचीत की गई, ठीक है,
इनर कोर पे हुआ गया तो यहाँ पर ये डिस्कोर्स शुरू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिएगा। इनर कोर आपका किस तरीके से है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो लोगों का ये हुआ कि भाई तापमान इतना अधिक है, इतने अधिक तापमान होते हुए भी ये सॉलिड फॉर्म में कैसे रह सकता है। बात समझ में आ रही है, ये एक ठोस अवस्था में आपकी कैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो लोगों ने वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण, यही आपके प्रश्न का हल भी होगा कि डिस्पाइट टेम्परेचर आपका अधिक है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ चूंकि प्रेशर भी आपका अधिक है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं कि आपको ये ठोस स्थिति में देखने को मिले। तमाम विद्वानों ने इस तरीके से बातचीत की कि ठीक है भाई, आपकी हम इस बात से सहमत हैं कि तापमान अधिक होने के बावजूद भी प्रेशर चूंकि बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वो ठोस फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन कोई भी सेल संस्तर होगा, कोई भी रॉक होगी, कितना भी आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होने का या घनत्व अधिकतम होने का एक सीमा है, वो उससे अधिक सीमा पर उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। और चूंकि सर्वाधिक घनत्व आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये संभव ही नहीं है कि आप कितना भी तापमान बढ़ा दीजिए, कितना भी आप दबाव बढ़ा दीजिए और दबाव के बढ़ने की वजह से घनत्व यहाँ पर बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी तत्व की एक सीमा है। तब लोगों ने ये बात कही कि ठीक है, आप ये बात सही कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी इस बात में बहुत दम है कि भाई कितना भी प्रेशर अधिक हो जाए, किसी भी सेल की जो या किसी भी रॉक की जो डेंसिटी है वो एक सीमा तक ही बढ़ सकती है, उससे अधिक नहीं है। लेकिन ये तो जरूर संभव है कि मान लीजिए अधिक घनत्व वाले तत्व ही वहीं उपलब्ध हों, ठीक है, अधिक घनत्व वाले भारी तत्वों की उपलब्धता ही वहीं पर हो। तो इस वजह से जब और रिसर्च को कंटिन्यू किया गया तो ये इस निष्कर्ष पर निकले कि जो हमारा इनर कोर है वो निकिल और आयरन, निकिल प्लस आयरन जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो ऑलरेडी भारी तत्व हैं, जिसकी वजह से हमारे कोर का एरिया, कोर में हमारी डेंसिटी मैक्सिमम हमको प्राप्त होती है। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 जो कि क्रस्ट से लेकर मेंटल और कोर वाले एरिया में बढ़ता ही जाता है, और कोर में लगभग 13.3 के भी आसपास आपको यहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। तो आपका जो कोर वाला एरिया तापमान अधिक होने की वजह से भी, तापमान अधिक होने के बावजूद ये सॉलिड स्टेट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर बहुत अधिक है, और इस एरिया का घनत्व तो बहुत अधिक यहाँ पर इस वजह से नहीं है कि दबाव बहुत अधिक है, बल्कि ये ऐसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, निकिल और आयरन जैसे तत्वों से मिलकर, जिनकी प्रकृति ही इस तरीके से है कि ये अधिक भारी तत्व हैं जिनका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस स्थिति को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम कहाँ पहुँचे कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, और जो हमारा इनर कोर है वो आपके निकिल और फिर आयरन से मिलकर बना हुआ एक ठोस अवस्थिति को धारण करता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है, इसको समझने की कोशिश करिए कि ये जो आउटर कोर का लिक्विड है या आउटर कोर का फ्लूइड है, जैसे ही ये इनर कोर के संपर्क में आता है या इनर कोर पे इसका एक फ्रिक्शन या घर्षण की स्थिति होती है, उसके संपर्क में आता है, उससे इंटरैक्ट करता है, तो ये उसी मैग्नेटिक फील्ड को, पृथ्वी की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको जनरेट करता है, पृथ्वी के भूकंपीय क्षेत्र को की उत्पत्ति वहीं से होती है। और ये जो एक ये संपूर्ण प्रक्रिया एक गत्यात्मक ऊर्जा परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी का जो शाश्वत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है उसको बनाए रखता है। आगे चल के जब हम आपको प्लेट टेक्टोनिक, पैलियो मैग्नेटिज्म और इन सब चीजों पर लेकर आएंगे तो वहां पर इन चीजों की और अधिक गहराई में आपको हम बताएंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, एक्चुअल नॉर्थ कैसे है, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं पृथ्वी में, ये रॉक्स में ये कैसे गुण आ जाता है कि वो एक मैग्नेटिक व्यवहार करने लगती है, चुंबक की भांति उनमें किस तरीके से एक व्यवहार की स्थिति देखने को मिलती है। अभी फिलहाल आपको जो समझना है कि जो पृथ्वी का शाश्वत चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना जो हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए सबसे मूलभूत उत्तरदायी कारक क्या है कि ये जो निकिल और आयरन से बना हुआ आपकी ठोस अवस्था वाला जो कोर है, इसके बाहर की जो आउटर कोर है, जब उसका फ्लूइड उसके संपर्क में आता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो एक डायनेमिक एनर्जी कंडीशंस को डेवलप करके जो परपेचुअल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है या शाश्वत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है, ये उसको कंटिन्यू करता है। तो ये जो कोर है आपके विषय, यहाँ पे मूलभूत बातें हमने आपको ये समझाई कि जो पृथ्वी की
की सतह का सबसे केंद्र वाला हिस्सा है, लगभग पूरे वॉल्यूम का 16% उसको कवर करने वाला हिस्सा है। ठीक 3500 किलोमीटर की मोटाई वाला यह हिस्सा धारण करता है। 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको तापमान की स्थिति देखने को मिल रही है। भूकंपी तरंगों के विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी जो आउटर लेयर है वो लिक्विड के फॉर्म में है। तापमान अत्यधिक होने की वजह से वहीं पर जो इनर कोर है, तापमान अधिक और घन दबाव अधिक होने की वजह से वो आपको एक सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। और वहां की डेंसिटी मैक्सिमम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो निकिल और आयरन जैसे तत्वों से मिलकर बना है, जो खुद में उनकी प्रकृति कैसी है वो भारी है और उनका घनत्व तो अधिक है। ये जो सारी सूचनाएं थी या आपके कोर से संबंधित थी, इसमें भी एक और महत्वपूर्ण आस्पेक्ट बनता है डिसकंटिन्यूटी का या असंबद्धता का। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी और कुछ नहीं है, जहां पर भी भूकंपी तरंगों की स्थिति में कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जो स्पष्ट तौर पर किन्हीं दो लेयर्स को, किन्हीं दो परतों को अंतर करने में हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, उसी बाउंड्री को हम लोग डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं। तो हम आपको लास्ट में एक चार्ट में फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कहां पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है। इस कड़ी में हम आगे की ओर चलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो अगला हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है मेंटल का। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हो, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो इसमें ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये पूरा आपका मेंटल वाला पोर्शन है। और पूरे पृथ्वी के 80% वॉल्यूम कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस मेंटल वाले हिस्से में। 2900 किलोमीटर की मोटाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर क्रस्ट के आसपास इसका तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस और वहीं पर आप कोर वाले एरिया के नजदीक अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 2800 डिग्री सेल्सियस की स्थिति देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से जो मेंटल है वो आपके मैफिक सिलिकेट्स का बना हुआ है। मैफिक सिलिकेट्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी चट्टानें आपको मिलेंगी उन चट्टानों में मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा या उनके सिलिकेट्स की मात्रा आपकी अधिक होगी। हमारे मेंटल में भी दो कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एक आउटर लोअर मेंटल है या निचला मेंटल वाला एरिया है। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका कोर वाला एरिया निकल गया, हम यहाँ पे मेंटल में हैं, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम नीचे की ओर जा रहे हैं वहां पर हमारा तापमान क्या है, वहां पर हमारा तापमान भी अधिक है, प्रेशर भी अधिक है, दबाव भी अधिक है। एक स्थिति ये बनती है कि एक हिस्सा जो नीचे वाला उसको हम लोअर मेंटल कहते हैं, और यहाँ पर जो लोअर मेंटल है यहाँ पर आपके तापमान की अधिकता, तापमान अधिक आपको मिलेगा और यहाँ की जो चट्टानों का स्वरूप होगा वो आपको रिजिड या दृढ़ चट्टानें मिलेंगी, जिसका सबसे मूलभूत कारण ये है कि यहाँ पर दबाव आपका क्या है, गहराई अधिक होने की वजह से यहाँ पर दबाव की मात्रा अधिक है। वहीं पर अगर हम दूसरा जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग अपर मेंटल कहते हैं, पृथ्वी की सतह में अगर हम इस तरीके से सतह से गहराई में जाते जाएं तो क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर, बीच वाला जो ये 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला हिस्सा है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो ऊपर ही वाला हिस्सा है 700 किलोमीटर की गहराई वाला, इस वाले हिस्से की स्थिति को हम अपर मेंटल के नाम से जानते हैं। कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से लोअर मेंटल की अपेक्षा यहाँ तापमान भी कम है और आपका दबाव भी कम है। दोनों के कम होने की वजह से यहाँ पर जो चट्टानें आपको मिलेंगी उनकी प्रकृति या उनकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की होगी, वो आपको इन चट्टानों की अपेक्षा आपको मुलायम चट्टानों के तौर पर मिलती है। सबसे मजेदार चीज जिसका आप लोग बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं, इसी मेंटल में लगभग 100 से 110 किलोमीटर की गहराई पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह से 100 से 110 किलोमीटर, अपर मेंटल की में 100 से 110 किलोमीटर की गहराई पर अचानक से भूकंपी तरंगों की गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। ठीक, क्यों भाई ऐसी क्या स्थिति हो गई कि यहाँ पर भूकंपी तरंगों की गति मंद पड़ गई? तेजी से आने वाली पी वेव्स का वेग अचानक से यहाँ पे धीमे होने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब घनत्व में कहीं ना कहीं अंतर आया है। और यहाँ पर जो ये घनत्व में, यहाँ पर जो स्थिति भूकंपी लहरों की गति जो मंद पड़ रही है, उसको हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, दुर्बलता के मंडल के माध्यम से जानते हैं। और यहाँ पर जो घनत्व आपकी भूकंपी तरंगों की गति जो मंद पड़ रही है, उसका मूलभूत कारण ये है कि ये जो दुर्बलता मंडल है, जो एस्थेनोस्फीयर है, वो एक तरल गाढ़ा प्लास्टिक, मतलब
तरल फॉर्मेट में है, ठीक है, फ्लूइड के फॉर्मेट में है, विस्कस है, गाढ़ा है, एक प्लास्टिक जैसी सरफेस वाली जगह है, जहां पर स्थिति क्या हो गया कि चूंकि तरल हो गया, गाढ़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो स्वाभाविक है कि ठोस माध्यम की अपेक्षा यहाँ पर एक तरल माध्यम जैसी स्थिति बन गई। और इसी तरल माध्यम की वजह से हमने आपको क्या समझाया था कि भूकंपी तरंगों की स्थिति क्या होगी, ठोस में सबसे अधिक, तरल में इनकी गति धीमी पड़ जाती है। तो भूकंपी लहरों की गति मंद पड़ जाने की वजह से आप इसको हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी, एस्थेनोस्फीयर, हिंदी में दुर्बलता मंडल इत्यादि नामों से जानते हैं। महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर जानना, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो आखिर ऐसी स्थिति है क्यों, क्या कारण है कि आपको ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं, कि आपका जो मेंटल में आपकी स्थिति यहाँ पर ऐसी बन रही है कि आपको तरल अवस्था, विस्कस फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपलब्धता पाई जाती है इतनी गहराई पर, ठीक है। आप लोगों ने अपनी 9, 10 तक की किताबों में, 8 तक की किताबों में साइंस पढ़ते समय रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं इनके विषय में जरूर पढ़ा लिखा होगा और आप इनसे परिचित होंगे। आपको पता है कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जब क्षय करते हैं तो इनसे इनका जब क्षय होता है समय के साथ, जब ये डिके करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है और उसकी वजह से तापमान में यहाँ पे क्या होगी, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। और इस तापमान में बढ़ोतरी की वजह से जो आसपास की सैलें हैं, आसपास की चट्टानें हैं, वो पिघलने लगती हैं और पिघलने के कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आपके हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आपके हॉट स्पॉट्स बन जाएंगे। इन्हीं हॉट स्पॉट से जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप और ज्वालामुखी की स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं हॉट स्पॉट से प्रेरित हैं, क्योंकि यहीं से ये जो तरल, पिघला हुआ तरल मैग्मा है, ये जो पृथ्वी की सतह पर बाहर की ओर निकलता है, तो ये पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं के लिए बड़ी ही उत्तरदायी स्थिति होती है। जब आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका बहुत अधिक उपयोग होने वाला है, इस सतह के विषय में बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर भी डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने की वजह से आपकी तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से यहाँ की जो शैलें हैं वो पिघलना शुरू कर देती हैं, एक हॉट स्पॉट जैसी कंडीशन जाती है और वहां से ये मैग्मा बाहर की ओर निकलना शुरू करता है। और ये स्थिति हमें कहां देखने को मिल रही है, 100 से 110 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी की ऊपरी सतह से अपर मेंटल में। बात समझ में आ रही है। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया ये जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, दुर्बलता मंडल क्या है, तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर स्थिति में इस चीज को समझाने में। दूसरी चीज, पहली चीज कहां मिल रहा है, क्या है, ये तो आप बता ही पाएंगे, ये क्यों हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतनी गहराई पर रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थों के क्षय की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से आपके जो वहाँ की आसपास की सैलें हैं वो पिघलना शुरू कर देती हैं और पिघलने के साथ साथ एक हॉट स्पॉट जैसी कंडीशन बनेगी और वहाँ से इस तरह का तरल तप्त मैग्मा बाहर की ओर निकलना शुरू करता है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी इत्यादि घटनाएँ आपके सामने संपादित होती हैं। बात क्लियर हो गई। तो आप दुर्बलता मंडल के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा तो आप लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत आसानी से अब इतने सक्षम हैं, ठीक है, कि जो आप इसको बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आइए क्रस्ट के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो इस फिगर को ध्यान से अगर आप देखिए तो जो सबसे ऊपर एकदम पतली सा आवरण, सबसे बाहरी पतला आवरण, सबसे बाहरी आउटर सेल जो है उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। जो हमारा ये क्रस्ट है ये मेंटल से मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविकिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी की से अलग होता है, मोहो असंबद्धता से यह अलग होने की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। अलग अलग चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी हुई है ये पूरी लेयर और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत है किसका, हमारी जो सॉयल है, जो मृदा हमको देखने को मिल रही है, सागरों में जो लवणता पाई जा रही है उसके लिए, वायुमंडलीय गैसेस के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम इकोसिस्टम, पूरे संपूर्ण इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला हमारी कौन सी लेयर है, वो हमारी क्रस्ट वाली ही लेयर है। बातचीत समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्रस्ट
बी, अब अगर क्रस्ट, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ये फिगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से को हम रेड कर रहे हैं, ये आपका कैसा हिस्सा है, ये कॉन्टिनेंट वाला है, ये महाद्वीप वाला हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? ये आपकी स्थिति क्या है, ये महाद्वीपीय हिस्सा है। वहीं पर दूसरे रंग को अगर हम ब्लू कलर को ले लें, अब आपकी ये जो स्थिति है, ये आपकी महासागरीय स्थिति है, ओशनिक है या महासागरीय स्थिति है। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये सिंपल समझिए कि जो भी, जो ये क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस का जो महासागरीय हिस्सा है, महासागरीय हिस्से पर इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है, और महासागरीय सतह के नीचे की जो चट्टाने हैं वहां पर हमें किस तरह की रॉक मिलती है, मैफिक रॉक मिलती है। मैफिक का सिंपल मतलब हो गया कि अधिक घनत्व वाली मैग्नीशियम और आयरन से रिच चट्टाने। बात समझ में होगी? वहीं पर जो आपकी महाद्वीपीय सतह है, इस महाद्वीपीय सतह को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको दो परतें, यहाँ इसकी मोटाई अधिक होगी, यहाँ पर आपको दो परतें देखने को मिलती हैं। जो ऊपरी वाली परत है इसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जो ऊपर वाली परत है, वो ऊपर वाली परत अपेक्षाकृत उसका घनत्व तो कम है, और जो वहां पे मिलने वाली रॉक है वो किस तरह की रॉक है, फेल्सिक रॉक है, और ठीक उसके नीचे गहराई में जो हमारी जो रॉक पाई जाती है वो हमारी मैफिक रॉक है। फेल्सिक रॉक का मतलब सिंपल वही हो गया, फेल्सपार। फेल्सपार कैटेगरी में अभी हमने आपको सिखाया कि कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो फेल्सपार प्लस सिलिकेट्स की कम घनत्व वाली चट्टाने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ऊपर की ओर या महाद्वीपीय क्रस्ट में ऊपर की ओर और गहराई में जाने पर हमें क्या मिलती, मैफिक रॉक मिलती है, जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर स्थिति को ये यहाँ पे सिंपल बस इतना बताया गया कि क्रस्ट का जो सागरी सतह के नीचे वाला हिस्सा है वो किस तरह की रॉक से मिलता जुलता है, वो हमारी मैफिक रॉक से मिलता जुलता है, मैग्नीशियम और, बात समझ में आ रही है, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा से रिच रॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? और इनकी तुलनात्मक रूप से मोटाई क्या होगी, कम होगी। वहीं जब हमारी महाद्वीपीय सतह के विषय में हम बातचीत करते हैं तो महाद्वीपीय सतह के बातचीत करने के क्रम में जो ऊपरी हिस्सा है वो अपेक्षाकृत हल्का होगा और वहां पर जो रॉक्स हमें मिलती है वो फेल्सिक फैमिली से होंगी। फेल्सिक फैमिली का मतलब वही हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और इनके सिलिकेट्स आपको उन चट्टानों में अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे जैसे आप गहराई में अब आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कैसे इनसे ग्रेनाइट जुड़ा हुआ है, कैसे इनसे बेसाल्ट जुड़ा हुआ है। अभी सिंपल मूलभूत बात आपको ये समझनी है, क्योंकि आप कितने भी, कम से कम अगर आपने 10th तक भी अगर साइंस पढ़ी होगी तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब तत्वों से आप भली भांति परिचित होंगे। बात समझ में आ रही? तो महाद्वीपीय सतह का जो ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्से में आपको हल्की चट्टाने देखने को मिलेंगी जिन्हें हम फेल्सिक रॉक कहते हैं, और निचली सतह में जाने पर ठीक है आपका घनत्व तो अधिक और मैफिक चट्टानों की प्रकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपका क्रस्ट वाला हिस्सा हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आइए, जियोलॉजिस्ट के बीच में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है लिथोस्फीयर, कि स्थल मंडल क्या है। बहुत ढेर सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, उनको ये लगता है कि हम क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर कहते हैं, हम क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात समझा दें, जियोलॉजिस्ट के बीच में ये टर्म है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, बेसिकली ये है क्या, समझिए। स्थल मंडल जो टर्म है, ठीक है, ये सबसे बाहरी आवरण है पृथ्वी की सतह का, जो कठोर तथा नाजुक चट्टानों से मिलजुल कर बना हुआ है। इसका मतलब इसमें आपको रिजिड और ब्रिटल दोनों तरह की रॉक्स देखने को मिलेंगी। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ऊपरी सतह से लेकर कहीं पर, पृथ्वी की जो ये ऊपरी लेयर है, इस ऊपरी लेयर से लेकर कहीं पर 60 किलोमीटर की गहराई में, अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि जहां पर 60 किलोमीटर की गहराई की बातचीत हो रही होगी वो महासागरी क्रस्ट के नीचे वाली भाग होगी, और कहीं पर ये 150 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की गहराई में जो क्रस्ट और जो ठंडा ऊपरी मेंटल का पार्ट है,
ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला जो ठंडा ऊपरी मेंटल वाला पार्ट है, जहाँ पे तापमान कम है, दाब कम है, घनत्व ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक लेकिन नीचे वाले मेंटल की अपेक्षा कम है, वहां पर स्थिति आपको क्या देखने को मिल रही, इन दोनों को मिलाकर, क्रस्ट और कूलर अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को मिलाकर, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लिथोस्फीयर के नाम से या स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अगर अब आपसे ये कोई पूछता है कि भैया हमें ये बात समझाओ कि ये स्थल मंडल क्या है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो बाह्य आवरण है, पृथ्वी की सतह का जो सबसे बाह्य आवरण है, जो जीवन के लिए हर हमारे इकोसिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट लेयर ये किसको किसको मिलजुल मिलाकर बनी हुई है, आपके जो क्रस्ट वाला एरिया है जो, और अपर मेंटल का जो कूलर पार्ट है उसका जो सम्मिलित स्वरूप है, उसी सम्मिलित स्वरूप को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। तो जहाँ हमने क्लास शुरू की थी वहाँ से हमने आपको ये बात समझाई थी कि एस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, इन सारी चीजों पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम स्थल मंडल की बातचीत करें, अगर हम लिथोस्फीयर की बातचीत करें, तो लिथोस्फीयर का तापमान क्या है, तुलनात्मक रूप से दुर्मलता मंडल से इसका तापमान कम है, घनत्व कम है, और जो चट्टानों की प्रकृति मिल रही है वो आपकी कठोर और मुलायम चट्टानों का एक सम्मिलित स्वरूप मिल रहा है। वहीं पर अगर हम दुर्बलता मंडल की बातचीत करें, तो दुर्बलता मंडल में आपका तापमान अधिक, ठीक है, हॉट है, विस्कस है, और एक प्लास्टिक टाइप की, प्लास्टिक जैसी लेयर है, इसका मतलब तापमान अधिक है, चिपचिपी सतह वाली प्लास्टिक लेयर आपको देखने को मिल रही है, और इसी गर्म चिपचिपे प्लास्टिक सतह वाली लेयर पे जो हमारा ये स्थल मंडल है बहुत आसानी से इस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि कभी अगर आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है, या अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इत्यादि, डिस्कवरी इत्यादि देखते हो, तो कभी कभी जो बड़े बड़े आइसबर्ग, आइस के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, वो सागरीय सतह पर किस तरीके से तैरते हैं, ठीक उसी तरह की एक स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, वो इसी दुर्बलता मंडल पर, लिथोस्फीयर मींस क्या, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल वाला हिस्सा, ठीक है, ये इसी एस्थेनोस्फीयर पे जो कि एक चिपचिपी विस्कस, गर्म विस्कस है, या चिपचिपा गर्म सतह है प्लास्टिक नुमा, उस पर एक ये जैसे आइसबर्ग फ्लोट करता है उस तरीके से फ्लोट कर रहा है, और एक इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसको हम लोग आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो ये जो स्थल मंडल है इस दुर्बलता मंडल के ऊपर इस तरह की बहुत ढेर सारी अलग अलग प्लेट्स या अलग अलग टुकड़ों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट या प्लेट के नाम से जानते हैं। ये टर्म आपने जरूर सुना होगा, कितनी बड़ी प्लेटें हैं, कितनी छोटी प्लेटें हैं, नजका प्लेट कहाँ पाई जाती है, कोकोस प्लेट कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इन सारी चीज़ों में हमें आपने इन्हीं प्लेट्स का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो यही प्लेट हैं जो कि एक जो बाह्य आवरण वाला जो लिथोस्फीयर है वो इसी एस्थेनोस्फीयर पर एक फ्लोटिंग कंडीशन में है, क्योंकि इसका घनत्व तो अधिक है, ऊपर का घनत्व तो कम है। बात समझ में आ रही है। वो इस तरह की घनत्व तो कम कठोर चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं जो अधिक तापमान वाले चिपचिपी प्लास्टिक नुमा सतह पर एक फ्लोटिंग कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जो कि कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट या प्लेट कहते हैं। ये प्लेट क्या है, इनमें मूवमेंट किस तरीके से होता है, इनके मूवमेंट से किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, और वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है और इनके क्या परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि भाई आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके, क्यों महत्वपूर्ण है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ें, क्यों आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने पर ही हम ये बात समझ पाए कि अपर मेंटल में 100 से 110 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी की ऊपरी सतह से ये किस तरह की लेयर है, जिस लेयर पर रेडियो एक्टिव पदार्थों के निरंतर क्षय होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है, और तापमान में बढ़ोतरी सुनिश्चित होने की वजह से आसपास यहाँ पर हॉटस्पॉट जैसी कंडीशन बनेगी और आसपास की चट्टाने पिघल कर मैग्मा के
फॉर्म में आती हैं। यही तप्त मैग्मा जब बाहर की ओर निकलता है तो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं संचालित होती हैं, और फिर ऊपरी सतह पर किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भूगोल में हर आगे आने वाली कड़ी पिछली कड़ी से, पिछले एपिसोड से जुड़ी हुई है, इसलिए डे वन से बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, एकदम कंटिन्यूअस अप्रोच में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यहाँ से फिर हम आगे की ओर प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट्स और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आगे की ओर आपको ये समझाएंगे कि आगे की जर्नी कहाँ पर है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें बहुत सरल और सहज ढंग से समझ में आई होंगी। क्लियर है? आइए अब एक सवाल बनता है आप लोगों के बीच में, डिसकंटिन्यूटी का या असंबद्धता क्या होती है। सिंपल देखिए, असंबद्धता से का मतलब ये है, ठीक है, असंबद्धता और कुछ नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे समझना ये है कि कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक परत ये है, इस परत से इस परत में, ठीक है, इसके गुणधर्म एकदम अलग तरीके के हैं, तो यहाँ पर इसके गुणधर्म अलग होने की वजह से भूकंपी लहरों का जो स्वभाव होगा वो अलग तरीके का होगा। बात समझ में आ रही है? और इस चट्टान में चूंकि यहाँ के तापमान, दबाव, घनत्व इत्यादि या प्रकृति या स्वभाव अलग है, तो इसी के अनुरूप भूकंपी तरंगों की गति में अंतर आएगा। अगर पी वेव्स हैं तो हो सकता है उनकी स्पीड में कमी आ जाए, एस वेव है तो हो सकता है वो गायब हो जाए। तो अगर इस तरीके से आप ध्यान से देखिए तो इस फिगर में आपको जो सबसे ऊपर गुलाबी वाली लेयर दिखाई दे रही है वो लेयर आपकी क्रस्ट की है, जिसका घनत्व लगभग 2.9 के आसपास आपको मिलता है। जो आपको ये पर्पल कलर दिखाई दे रहा है ये अपर मेंटल है, जिसका डेंसिटी 4.3, लोअर मेंटल की डेंसिटी 5.5, आउटर कोर की डेंसिटी 10 के आसपास, और आउटर कोर के निचले हिस्से की 12.3, और एकदम इनर कोर वाला जो हिस्सा है वो 13.3। सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे जो निकिल और आयरन ऐसे भारी तत्वों से ही मिलकर ये बना हुआ है जिनका घनत्व ऑलरेडी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पर, ये इतना अधिक तापमान होने के बावजूद यहाँ पर ये ठोस अवस्था में क्यों है? क्योंकि इतने अधिक तापमान होने के बावजूद प्रेशर इतना अधिक है कि वो इसको एक ठोस प्रतिरूप में रखे हुए हैं। यहाँ पर स्थितियों को समझने की बात की चीत की जाए तो यहाँ पर समझिए कि आपसे पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता मिल रही है, और परीक्षा में ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान में रहे। देखिए, सबसे पहले क्रस्ट के, अगर हम अपर क्रस्ट, क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट वाला, यूसी का मतलब यहाँ पर क्या है? यूसी का मतलब हो गया अपर क्रस्ट, ठीक। एलसी का मतलब हो गया लोअर क्रस्ट। बात समझ में आ गई? हमने एक लंबी लाइन खींच दी, यूसी का मतलब अपर क्रस्ट, एलसी का मतलब लोअर क्रस्ट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये एक जो लंबी लाइन खींच दी, उसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं अपर मेंटल, ठीक है, और इसके ठीक नीचे आपका लोअर मेंटल। बात क्लियर हो गई? फिर हम एक बड़ी लाइन खींच रहे हैं आउटर कोर, ठीक है, और इसके ठीक नीचे आपका इनर कोर। क्लियर हो गई बात? यही चीजें तो हम लोगों ने देखी, समझी, सीखी अभी तक, ठीक। अब चाहे तो आप कहिए तो हम ऊपर से शुरू कर दें, चाहे तो आप कहिए तो हम नीचे से शुरू कर देते हैं, कोई भी कहीं भी किसी तरह की असुविधा नहीं आनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोनोरॉड। कोनरॉड भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कोनोरॉड भी लिखा हो सकता है, तो जैसे भी प्रॉपर नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गई? सवाल आएगा कर लोगे, ठीक। उसके बाद चूंकि अब ये वाली लाइन क्या कर रही है, वो ये वाली जो बाहरी परत है, जो हमारी बाहरी परत है, ठीक है, उस परत से, क्रस्ट की परत को मेंटल से अलग कर रही है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में इस जगह पर आपको जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविकिक। बात क्लियर हो गई? अब आइए अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है उसका नाम है रेपेटी। बात समझ में आ रही है? रेपिटी, हिंदी में आप लिखना चाहें तो रेपिटी असंबद्धता। क्या बताया हमने? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोरॉइड डिसकंटिन्यूटी,
क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपकी रिपीटी डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है? आपके मेंटल और कोर के बीच में यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। बात समझ में आ रही है? गुटेनबर्ग, या इसको कभी कभी परीक्षा में एक नाम और पूछा दे देते हैं, उसका नाम है विचर्ट। बात क्लियर हो गई? तो गुटेनबर्ग या विचर्ट असंबद्धता किसके किसके बीच पाई जाएगी? मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। और आपके आउटर कोर और इनर कोर के बीच में यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, ठीक, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, समझो। अगर आप कभी कभी प्रश्नों बनाने के क्रम में यहाँ पे ध्यान दो, कभी आपसे ऊपर से नीचे का क्रम पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि मान लीजिए कि जैसे अगर सवाल पूछ लिया जाए क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन है, तो आपकी मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गई। क्रस्ट क्रस्ट के बीच में पूछ ले, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आपकी कोनोरेड। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी, मेंटल और कोर के बीच में आपकी गुटेनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, वाह कोर और आंतरिक कोर के बीच में आपकी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी विचर्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको जैसे जैसे सतह से आप गहराई में जाते जाएंगे आपको मिलने वाली असंबद्धताएं हैं, क्योंकि सवाल में सीधे सीधे इन डिसकंटिन्यूटीज से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? बहुत तेजी से हम आपको समराइज कर दें, तो आज हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में समझाया। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। हमारे नए बैच में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे होंगे, आपको उनसे संबंधित अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। एक जो पूरा कॉम्बिनेशन हमारे इस बैच का बना हुआ है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि लाइव, ज़्यादातर लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए, आपके साप्ताहिक या मासिक इस तरीके से टेस्ट सुनिश्चित किए जाएं, या कम से कम सेक्शन कंप्लीट होने पर कुछ इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हो। परीक्षा से पहले तो होगी ही, साथ ही साथ जिससे कि जो चीज़ें मान लीजिए तथ्य इस क्लास के संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के दौरान छूट गए हों वो आप वहाँ पर कवर कर सकें। इसी तरीके से मिलजुल कर हम लोग इस पूरी सफलता की यात्रा को आगे ले जाने वाले हैं, जिसमें आपका सहयोग और आपका प्रयास पूरी तरीके से अपेक्षित है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आप सफलता हो, क्योंकि आपकी सफलता से ही हमारा सम्मान सुनिश्चित है। आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद एक काम आप लोग जरूर करिए कि अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, कुछ पूछना हो, किसी तरीके का सुझाव हो, रिव्यू हो, कम से कम इस के नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। और जितने भी लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है, जो इस बार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, ठीक, उन पर ये शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके और हम और आप मिलकर इस प्रयास को सफल बनाएं। क्लियर है? कोई भी किसी तरह की असुविधा आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे कि कमेंट आपके देखकर हम नेक्स्ट क्लास में आप पर इनसे डिस्कशन कर लें। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ना केवल उससे हमें एक सुझाव मिलता है, बल्कि हमें ये भी एक प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए क्या नई चीज़ें हैं। कुछ अच्छा लगे तो भी डालिए, कुछ कमी रह गई हो तो भी बताइए, शेयर जरूर करिए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। इसी कड़ी में हम आगे आपको रॉक्स किस तरीके से हैं, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप किस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीज़ों को सिखाएंगे, समझाएंगे। विश्वास मानिए, हर चीज़ एकदम शीशे की तरह साफ आपको समझ में आएगी। इस क्लास से संबंधित रिव्यू जरूर दें। बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष।